आया है, फिर मेन्यू आया था उसमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट है ये 3 अंडे का ऑमलेट है, ऐसा वाला तकिए जैसा। जूस आया है, कॉफी है और ये ब्रेड आया है। ब्रेड तो नहीं है, ब्रेड से या तो मोटा हो गया है ब्रेड। तो ये मेरे साथ है डाइविंग के लिए। हम लोग चल के जा रहे हैं सनसेट बीच। एंड आगे जो थैले में चल रहे हैं वो है मैक्स, हमारा डाइविंग इंस्ट्रक्टर। तो हम लोग सनसेट बीच जा रहे हैं, आई डोंट नो वेयर, बट ट्रैक करके बड़ा रोड आया था बीच में, वो छोड़ के हम लोग अब ट्रैक पे हैं। द अदर साइड ऑफ द माउंटेन आई थिंक सो इज टेकिंग अस। माउंटेन की दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। स्पीड थोड़ी अपने से ज़्यादा है, सो पसीना बहुत हो चुका है। ये लोग आगे जा रहे हैं, मेरे पीछे कैन। इतने बड़े रोड्स बीच बीच में बन रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं लेजी बीच। तो एक इच्छा थी देखने की बीच, लेजी बीच। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। We have Max along with us. Hello. Our diving instructor. Max, you are from? Cambodia. Cambodia, actually. Wow. So he'll be with us for the dives. And I hope so. We'll enjoy it. So this is a lazy beach. Yeah. Very calm, very smooth. It's like the lonely beach. करोंग इस टाइप के ट्रैक्टर में हमारे किट्स आ चुकी है, ड्राइविंग किट्स, बैग्स, किट्स दे दिए गए हैं। तो सिलेंडर आ चुके हैं एंड आई विल बी गोइंग। सो पहली डाइव ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और हमारा खाना लग चुका है यहाँ पे। सो मैक्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? ऑसम, ऑसम। आर वी डूइंग गुड? या, आई शुड बी कट सर्टिफाइड। आह, so going for a second dive, that is deep sea diving। ये मेरे diving partner। ये था हमारा दूसरा session जो था open sea diving, जहां पे एक छोटे से boat से हमको एक बड़े boat में लेके जाया गया। वहां पे हमको kit दी गई and training भी दी गई कि boat में से कैसे jump करना है, और jump करने के बाद हमको सी बेड को टच करना था जो कि करीबन 12 मीटर तक था। और 12 मीटर तक डीप जाने के बाद, सी बेड को टच करने के बाद हमको सिग्नल देना था कि एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फिर रीफ की तरफ आगे बढ़ना था। तो आई टच सी बेड, सिग्नल किया
and we started moving towards the reef. Everything was perfect. विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर्स, और रास्ते में हमने काफी सारी फिशेस देखी, और ये कॉरल फिश जो शायद हम लोग अकेले होते तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ये फिश है, और रीफ की तरफ हमने काफी सारे और फिशेस, फिशेस के झुंड भी देखे, ओशन करंट को भी महसूस किया, जो पानी के बहाव में हम लोग खुद बह रहे थे, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। 45-45 मिनट्स के दो डाइव कंप्लीट हो चुके थे, अब वक्त था वापस जाने का। हमारे डाइविंग इंस्ट्रक्टर मैक्स के साथ हमको बहुत मजा आया, काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दी उसने। मैंने नूडल्स मंगाए, ये मालूम नहीं क्या आया है। मैंने नूडल्स मंगाए, ये कुछ अब क्या है ये मालूम नहीं है, शायद नूडल्स अंदर होंगे, मुझे ढूंढने पड़ेंगे, इसके नीचे हो सकते हैं। ये सरसिन बीच है, रात को 11 बजे, करीबन रात को 11 बजे, ऑलमोस्ट सब सो गए हैं, मीन्स सो तो नहीं गए हैं, पर बीच पे कोई नहीं है। 10:30 बजे ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड सब अपने अपने हॉस्टल्स में, होटल्स में अंदर चले जाते हैं। हाँ, एक वंडर्स करके हॉस्टल है, वहाँ पे पूल टेबल्स है, थोड़ी गेम्स है अलग अलग जो फ्री ऑफ आप खेल सकते हैं वहाँ पे। तो मेरा रिसोर्ट आ चुका है, दैट इज सारा रिसोर्ट, आई विल गेट इन।